राजनांदगांव पुराने समय में भदौरिया चौक या स्टेडियम चौक का नाम बदलकर अंबेडकर चौक रखा गया था। अब अंबेडकर चौक में सरकार द्वारा शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव आया है। इस बात का विरोध करते हुए अंबेडकर समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। समाज के लोगों ने कहा कि अंबेडकर चौक संविधान के लिए एक प्रतीक चौक है, वहां शराब दुकान खोली जाएगी तो अंबेडकर चौक का माहौल बिगड़ेगा। बौद्ध समाज राजनांदगांव के हमारे सभी वरिष्ठ और युवा साथी आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हुए थे। समाज को ये ज्ञात हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर चौक के समीप शासन के द्वारा शराब दुकान खोलने का प्रस्ताव है। जब ये जानकारी बौद्ध समाज को प्राप्त हुई तो इससे पूरे समाज में आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो चौक आज सबके जन भावनाओं का प्रतीक है, यदि वहाँ शराब दुकान पास में खोल दी जाती है तो इससे इस क्षेत्र का सामाजिक सौहार्दपूर्ण जो वातावरण आज बना है वह बिगड़ेगा। आज हमें पता चला कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक में शराब दुकान खुलने का प्रस्ताव रखा गया है राज्य शासन के द्वारा, तो यह बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वह जो चौक है वहाँ पे शांति का वातावरण है अभी वर्तमान में, और सारे समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग इस ओर हम निंदा की ओर देखते हैं इसको, क्योंकि शराब अगर दुकान वहाँ खुलती है तो कहीं ना कहीं अब एक आक्रोश पैदा होगा और शराब पीने वाले लोग अभद्र टिप्पणियाँ वहाँ करेंगे, जिससे बौद्ध समाज आहत होगा। आगामी अगर वहाँ शराब दुकान खुलती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, सभी युवा साथी हम एक होकर, पूरा समाज एक होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा।